हाय गाइस, वेलकम टू टुडेज न्यूज, जहां हम कराते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से आपका डायरेक्ट कनेक्शन। मैं हूं सपना और आज हम बात करेंगे एक्टर ऋतिक रोशन की। बता दें कि ऋतिक रोशन ने 2020 के स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज भेजा है। जी हाँ, 2020 में ग्रेजुएट होने वाले बच्चे और 10th और 12th के बच्चे जिनके एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए गए हैं, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस की ये महामारी है। इस महामारी की वजह से बच्चों के एग्जाम्स को आगे बढ़ा दिया गया है और यही वजह है कि ऋतिक रोशन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए सामने आए। उन्होंने कहा कि मुझे पता है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगा, ये आपके लिए एक बहुत ही अनोखा अनुभव है और मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या सोच रहे होंगे, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि इन सब के बाद कुछ तो स्पेशल होने वाला है, यानी कि आप अपने अंदर की एक नई प्रतिभा को पहचान पाएंगे, आप अपने आप को जान पाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से ये बिलीव करते आ रहा हूँ कि जो सबसे सही है उसे काफ़ी सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैंने अपनी ज़िंदगी भी इसी टर्म्स पे जी है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपको मुश्किलों का सामना तो करना पड़ेगा। सक्सेसफुल होने के लिए आग के दरिया से गुजरना इम्पॉर्टेंट होता है। यही बताते हुए ऋतिक रोशन ने बच्चों को मोटिवेट किया है और कहा है कि उम्मीद न छोड़े क्योंकि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनसे जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।